भारतीय सफाई मजदूर संघ के द्वारा दमोह के नगरपालिका परिसर में पहुँच करके अपनी मांगों का एक ज्ञापन दमोह के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम सौंपा गया। भारतीय सफाई मजदूर संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपने के साथ ही सभी सफाई मजदूर साथियों के लिए कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजर, मास्क सहित ग्लव्स इत्यादि सहित अन्य सामग्री दिए जाने की मांग की गई। साथ ही अनुकंपा नियुक्तियों के साथ संविदा वर्ग एवं मस्टर वर्ग के सफाई कर्मचारियों को लेकर के भी विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से अवगत कराते हुए कार्रवाई की जाने की मांग संगठन के द्वारा की गई। संगठन का कहना था कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो आगामी दिनों में उनको धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे हालात में सफाई मजदूर संघ के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के बाद अब देखना यह होगा किस तरह की कार्रवाई मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से की जाती है और उनकी मांगों के संबंध में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़, दमोह। दिया गया था मगर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। सीपीओ साहब ने बोला है कि अभी तो हमने तत्काल कार्रवाई कर दी है मगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारा मतलब ये है कि ज्ञापन देते भी हम लोग काफ़ी थक चुके हैं सर। हम लोग ये चाहते हैं कि चाहिए नहीं होगा तो सर आगे चलते हम लोग बहुत बड़ा दमोह शहर में आंदोलन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हम लोग आंदोलन करें मगर हम लोग को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीमो साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। ये काफ़ी समय से हम लोग आवेदन देते आ रहे हैं जिसमें कि हम लोगों ने वेतन में संविदा वालों का रखा है और पक्ष रखा है मास्टर वालों का पक्ष रखा है, जिसमें कि कोरोना में भी महामारी चल रही है जिसमें कि इनको सैनिटाइजर मास्क वितरित हुए और इनको ठंड में जूते वितरित हुए जूते पहनने के लिए। और जो हमने मांग रखी कि संविदा वालों का फरवरी से वेतन बढ़ के मिले और मास्टर वालों को जो अभी हमने फरवरी का आवेदन लगाया है, छतरपुर का लगाया है, उसमें जो भत्ता लगकर फरवरी से मास्टर भी बढ़ के मिले, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से आवेदन देते आ रहे हैं जिसमें कि अभी तक निराकरण नहीं हो पा रहा है। आगे चल के होगा कि हम लोग को टंपल लगा के इधर बैठना पड़ेगा, हड़ताल करेंगे टोटल। हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय का टिकट ट्रांसफर हो गया था, अभी नए CEO साहब आए हैं, उनसे समझ से अपन ने ये सब चीज़ें रखी हैं। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उसकी कार्रवाई अब प्रचलित कर दी गई है। जल्दी से जल्दी जो नियम अनुसार हो गई कार्रवाई उससे इनको अवगत करा दिया। लगातार देख रहे हैं जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके टीम तैयार की गई है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे में अगर सफाई कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाते हैं तो फिर क्या रूपरेखा तय की? नहीं, वो सीओ साहब को अवगत करा दिया है पूरे सब प्रक्रिया को, वो नियमानुसार जो भी कार्रवाई।